सो हेलो गाइस, आज हम लोग फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ छोटे बड़े यूट्यूबर्स के कुछ छोटे बड़े न्यूज़ को कवर करने वाले। सो गाइस, आज मेरे पास कवर अप करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश न्यूज़ है। सो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, आज का हमारा पहला न्यूज़ है GSK वेरीफाइड की तरफ से। सो गाइस, रिसेंटली में जो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि सिंपली टाइटल और थंबनेल में लिखा हुआ था कि जो है वो लोकेश गेमर को रोस्ट करेंगे, लेकिन गाइस कहीं पे भी लोकेश गेमर को रोस्ट किया नहीं गया उस वीडियो में। सो गाइस, उस वीडियो में सिंपली लोकेश गेमर का जो है ओल्ड मेमोरीज मतलब पुराना गेम प्ले जो डाला गया था एंड गाइस उसके ऊपर रिएक्ट किया गया था, लेकिन गाइस उसके बदले में जो डायलेंट प्रोस को जो उसने रोस्ट किया एंड गाइस उन्होंने क्या कुछ बोला है डायलेंट प्रोस को इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। जैसे मैंने यहां पे सर्च किया डायलेंट प्रो गाइस और मतलब डायलेंट प्रो, तब मेरे को असलियत में इसकी चैनल में मैं जैसे एंट्री लिया तब मेरे को पता चला अरे भाई 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 ये तो कोई प्रो बंदा है ही नहीं, ये नाम का प्रो लगा के रखा है। अपने नाम के पीछे 11 मिलियन सब्सक्राइबर लेके इसके व्यूज आते हैं 95,000। अगर ये बंदा फ्री फायर में पैसे नहीं उड़ाता तो मतलब समझ गए ना, अगर मैं पैसे उड़ाऊ तो बंदे देखने आए, अगर मैं पैसे नहीं उड़ाऊ दूसरा कुछ भी कर दो तो इनकी चैनल में कोई देखने भी नहीं जाता। फिर से आ जाते गाइस 4 लाख की व्यूज। तो गाइस अगर आप देख ही सकते हो मतलब कैसा चैनल है भाई, ये कैसा चैनल है, मतलब इनके फैंस इनको चाहते भी नहीं है, मतलब इनके फैंस इनको दिल में क्या भाई, इनको देखने भी नहीं जाते। जब देखते भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया, पैसे उड़ा डाला, करोड़ रुपए की डायमंड खरीद लिए, तब जाके बंदे क्लिक करके जाते होंगे इनकी चैनल में देख करते होंगे। वैसे नॉर्मली इनके फैंस उतने ज्यादा नहीं है, अगर इनके फैंस उतने ज्यादा होते तो इनकी हर वीडियो में व्यूज होती ना कि सिर्फ फ्री फायर की पैसे उड़ाने वाली वीडियोस में। जैसे कि आप लोग हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है AS गेमिंग की तरफ से। रिसेंटली में आप लोगों को मैंने बताया कि AS गेमिंग को जो है गरीना अपने पार्टनर प्रोग्राम से निकालने वाली। सो गाइस क्यों निकालने वाली ये भी रीजन बताया था। सो गाइस फाइनली जो है उनको गरीना फ्री फायर ने अपने पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया एंड गाइस क्यों निकाल दिया है। सो गाइस फुल रीजन बताया उन्होंने एंड गाइस उन्होंने भी कुछ एलिगेशंस लगाए गरीना फ्री फायर के ऊपर। सो गाइस वो एलिगेशंस क्या-क्या थे, सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। गाइस कि अपने को भाई पार्टनर प्रोग्राम वालों ने भाई बोल दिया भाई टाटा सी यू बाय बाय, ठीक है तो टाटा बाय बाय बोल दिया गाइस हम लोग को पार्टनर प्रोग्राम वालों ने, और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को पार्टनर ये क्या बोलते उसको टाइटंस कार के कोड नहीं मिलेंगे गाइस, ठीक है चोर है भाई चोर, बस इतना ही बोलूंगा। जो यूट्यूबर इनकी चाटेगा ना अच्छे से चाटेगा उसी को मिलेगा गाइस, उसी यूट्यूबर को मिलेगा जो इनकी चाटेगा गाइस। लॉजिक देखो गाइस, इन चोरों के चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ो, चोर साले एक नंबर के दल्ले साले इनके, वो एक वो देखो गाइस मेरे को बोलते हैं कि तू गिव अवे, मेरे को क्यों निकाला गाइस पार्टनर प्रोग्राम से कि तू गिव अवे करता है और खुद टाइटन्स कार का गिव अवे कर रहे हैं सालों, खुद तो तुम लोग फिर बोलते हो 9 साल की पब्लिक तुम लोग गिव अवे को गिव अवे कम करो, गिव अवे बढ़ाओ मत गिव अवे बढ़ाओ, अरे सालों खुद तो तुम लोग टाइटन्स कार का गिव अवे करवा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि गिव अवे मत करो, खुद तो तुम लोग टाइटन्स कार को प्रमोट कर करके गिव अवे करवा रहे हो हर चैनल पे, तुम कौन सा भाई वो कोई टूर्नामेंट करवा रहे हो, तुम भी तो टाइटन्स कार का गिव अवे करा रहे हो तो पब्लिक तो गिव अवे मांगेगी भाई, पब्लिक तो गिव अवे मांगेगी ही, तुम लोग मेरे को गाइस क्यों निकाला गाइस कि मैं डेली गिव अवे करता हूं गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है तो मेरे को इसलिए निकाला, लेकिन सालो तुम खुद भी तो गिवे करवा रहे हो टाइटन्स कार के, अगर तुम इतने सच्चे सवित्रे हो तो फिर टाइटन्स कार का गिवे क्यों करवा रहे हो अगर गिवे प्रमोट नहीं करवाना बोलो। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ वो है गेमिंग ऑरा की तरफ से। सो गाइस रिसेंटली लाइफ के दौरान जो है बहुत सारे बंदे उनको कमेंट कर रहे थे कि मतलब जस्टिस फॉर ये जस्टिस फॉर वो, मतलब किसी के जस्टिस मांग रहे थे। सो गाइस इसी सारे के चीज के ऊपर रिएक्ट करते ऑरा भाई ने बोला है कि मतलब जब जस्टिस आप लोग मांगते हो मैं तो पूरा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यही कम्युनिटी के बंदे लोग मेरा हेल्प बात में नहीं करते, जब मेरी जरूरत पड़ती है तो ये लोग मुंह फेर के पीछे भाग जाते हैं। सो गाइस इसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं उन्होंने और क्या कुछ बोला इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वो छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। पोस्ट नहीं करता बट यार प्लीज डोंट स्प्रेड जस्टिस फर्स्टेस यार, क्योंकि मुझे बताया देखो आज मैं सबकी मदद कर रहा हूँ, लोगों का जो भी हैशटैग लगता है डैडी कॉलिंग की भी बात आई तो डैडी कॉलिंग की भी मैंने मदद करने के लिए पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी, डैडी कॉलिंग का मुद्दा आया था और जिस किसी का पहले भी मुद्दा आया है किसी का भी मुद्दा आया पहले मैंने सबको मदद करने की पूरी कोशिश करी है, बट जब मेरे को मदद की जरूरत होती है सबके सब मुंह फिर लेते हैं, तो मेरा यार मन नहीं करता इस कम्युनिटी के अंदर किसी का भी जस्टिस देखने का, क्योंकि भाई मेरे टाइम पे किसी ने मदद नहीं करी, नीमो टीवी वाले में किसी एक यूट्यूबर ने आके मदद करी भाई, मेरी मेंटल कंडीशन आपको पता होगा मैं सुसाइड करने की सोच रहा था, किसी भी एक यूट्यूबर ने आकर के ऐसा बोला कि भाई आ जा भाई मैं तेरी मदद करता हूँ भाई, चैनल डाउन हो गया था मेरा, कोई आया मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं, मैंने हैशटैग के लिए भी नहीं बोला किसी को, नहीं बोला कि मैंने वो करूँ, मैंने खाली ये बोला प्ले स्टोर पर जाकर के नीमो टीवी को बोलो कि भाई पेमेंट दिला दें भाई, जनवरी फरवरी की बात है मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ भाई, कोई नहीं आता भाई सपोर्ट करने के लिए, मेरे को कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, तब क्यों नहीं आए भाई मेरे साथ कोई खड़ा हो जाते,
सबके सब अपना चैनल ग्रो करते हैं भाई, हम ही पागल हो रखे भाई। आप लोगों को बताऊं, आप लोग अपना एंटरटेनमेंट देखा करो, सबके सब अपना चैनल ग्रो करने का तरीका भाई। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ज्ञान गेमिंग की तरफ से। सो गाइस रिसेंटली में उन्होंने लाइव के दौरान बताया है वो जब से फ्री फायर कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं तब से लेके अभी तक जो है उन्होंने कितना ज्यादा डायमंड गिव अवे कर दिया है। उन्होंने फुल्ली बताया कि मैंने इतना डायमंड वेस्ट कर दिया है मतलब गिव अवे के चक्कर में। सो गाइस उन्होंने कितना डायमंड बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं गाइस टोटल मिलकर बोल रहा हूं 11,54,000 डायमंड गिवे किया है। ओके 54,000 मतलब शुरू से एंड तक। सिर्फ मेरे ये वाला अकाउंट देख रहे हो, सिर्फ ये वाला अकाउंट ये जो अकाउंट देख रहा हूं इस अकाउंट में 370,000 डायमंड खर्च हुआ है सिर्फ इस अकाउंट में। गिवे देने के ये जो गिवे दे रहा हूं डायमंड ले रहा हूं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है क्रिटिकल एक्स रॉकी भाई की तरफ से। जो रिसेंटली में उन्होंने लाइव के दौरान बताया है क्रिटिकल एक्स की तरफ से जो है बहुत ही बड़ी बड़ी दो तीन अनाउंसमेंट आए हैं। एंड वो दो तीन अनाउंसमेंट क्या है वो आप लोग देख लीजिए। एंड गाइस उन्होंने क्या कुछ बोले आप लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना गाइस। एंड चलिए देख लीजिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो छोटा सा वीडियो क्लिप। अनाउंसमेंट है क्रिटिकल एक्स की ओर से जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। जी गाइस आज के बाद क्रिटिकल एक्स स्ट्रीम वॉच में No PC player will be allowed. जी guys, Critical X के टूर्नामेंट में आज के बाद PC players के लिए अलग टूर्नामेंट होगा। तो ये वाला टूर्नामेंट हो रहा है उसमें PC player allowed नहीं किए जाएंगे। और इतना ही नहीं जो फ्री एंट्रीज होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है। तो यूट्यूबर्स जी guys, यूट्यूबर्स को भी अगर आना है तो क्वालिफाई करके आना पड़ेगा। आज के बाद एमुलेटर प्लेयर्स क्रिटिकल एक्स के स्क्रीम्स में अलाउ कम से कम आने वाले दो तीन टूर्नामेंट्स के लिए तो नहीं है। ऊपर से यूट्यूबर्स के लिए जो हम इनविटेशनल टीम्स बुलाई जाती थी वो बंद हो चुका है। इनविटेशनल टीम्स अभी भी बुलाई जाएंगे लेकिन यूट्यूबर्स की नहीं। 24 ई-स्पोर्ट्स टीम बुलाई जाएगी, 24 ई-स्पोर्ट्स की टीम बुलाई जाएगी, यूट्यूबर्स नहीं। So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही न्यूज से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। और गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।